बड़े टायर लगवा दिए मैंने, ठीक है, ये मेरे को दिक्कत दे रहा है, पूरा ऐसे लगेगा कि ये नहीं लगेगा। तो आवाज नहीं आएगी, फिर आवाज नहीं आएगी, टायर का है ही है, क्या पता बम्पर, क्या पता ये, क्या पता और तीन चार चीजें निकल जाए। भाई कमेंट करके बताओ ये लगवाने चाहिए मेरे को फेंडर या नहीं। भाई ये इसके लिए आइसक्रीम ली है, डॉलर आइसक्रीम, कैसे कैसे वही। कल मम्मी आई थी बैंगलोर से और ये सारी चीज़ें ले गई, नमकीन होंगी, नाम तो बताएं लेकिन बढ़िया लग रही है, नारियल की चिक्की होगी और ये मुरकू हो गए और ये बढ़िया, मतलब इसका भी नाम याद नहीं है लेकिन सारे नमकीन है एक नंबर के। और ये होगी आपकी मूंगफली वाली चिक्की। और अभी निकल रहा हूँ भाई यहाँ से मैं मंदिर सीधा, मैं तेरे को नहीं ले जा रहा बेटा कहीं, तेरे को कहीं नहीं लेके जा रहा, मैं कहीं नहीं लेके जा रहा। अरे नहीं लेके जा सकता बेटा ना तेरे को, यहाँ से साइड और, तेरे नहाने का टाइम हो रहा, गंदा हो रहा है तू, साइड हो जा अभी नहीं। डॉलर नो, अभी नहीं जा सकता बेटा, बाय। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। पतला होना पड़ेगा भाई, और हमेशा ही तरह एक ही लिफ्ट काम कर रही है, यार को ना सही में पतला होना पड़ेगा। और वॉच का चार्जर चाहिए भाई, लेऊंगा आज, आज कल में लेता हूँ मैं इसका। भाई एक चीज़ तो है, जब से ना ये की है ना टायर लगाए, ये TPMS तो गायब ही हो गया महिंद्रा इससे, थार से, स्कॉर्पियो भी लगवा दूंगे, कमेंट करके बताओ। मेरा घर वाले ना मेरे को निकाल देंगे, मजाक सट के कह रहा हूँ, बेघर कर देंगे इसके बाद तो। पर ये कुछ काम कर दिया ना मैंने, और भाई साहब पेट्रोल भरवाना है हमेशा की तरह खाली टंकी, तो ये जाएंगे सबसे पहले पेट्रोल भरवाएंगे, फिर सबसे पहले हाँ पेट्रोल के बाद ही तो जा सकता हूँ मंदिर। आज फिर मैं लेट हो गया भाई, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग व्रत करवा रहे हैं वहाँ 45 days जैन मंदिर में। बहुत सारे लोग आते हैं, मिनिमम 20-25 लोग हमेशा आते हैं, सैटरडे संडे आते हैं 50-60-70 लोग, तो हर दिन यार की ड्यूटी है वहाँ। फिर ड्यूटी तो क्या है भाई, धर्म है, पुण्य कमा रहे हैं इससे यार, तो भी जा रहे हैं यार। और ये आवाज़ का कुछ करना, जेन्युइन कुछ करना पड़ेगा भाई, पता है ये जो बहुत आवाज़ ना इरिटेट कर रही है, बहुत गंदी इरिटेट कर रही है, कुछ करते हैं इसका भी भाई, आज करेंगे या देखो कब करते हैं। तो चलो 4700 भाई से राउंड ऑफ फिगर कर दो यार, है ना, मैं 50 में 5-1 liter था मतलब अंदर बस। हाँ ठीक है राउंड ऑफ हो गया 4800। ये चीज़ है भाई जिसका मेरे को करना पड़ेगा कुछ, क्योंकि ये जो है ना बहुत भारी और ये कभी ना सिस्टम बैठ जाएगा इसका। चलो तो अभी पेमेंट करते हैं उसके बाद बात करते हैं। 1:30 हो गए भाई यार, गंदा लेट हो गया आज। चलो अपना बक्सा लेके चलते हैं, चप्पल तो यहीं उतार देंगे मंदिर में अंदर। चलो 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 चलो। हाँ भाई चाय बना रहे हो? चाय बन रही है जी। आइए भाई, क्या इसमें इलायची वाली है? कौन सी वाली? मसाला टी। मसाला टी है यहाँ पे, लोग मैंने सुना है कि यहाँ बहुत फेमस है चाय, सब लोग वो करते हैं कि भाई कब आएगी चाय, कब आएगी चाय है। चाय के बिना हमारा एक काटना अधूरा है। और अभी क्या आज क्या है लंच में, क्या है आज? आज हमने कढ़ी चावल बनाया, हाँ, और चने बनाए, हाँ, ब्लैक चने, हाँ, और हमने आज हलवा बनाया। हलवा? हाँ, हलवा तो रोज रहते हैं ना, कुछ अलग अलग टाइप का हलवा बनाया, हाँ। और भाई ये अंकित भाई है जो पूरा मैनेज कर रहे हैं, पूरा मतलब 45 days स्पेशली पंजाबियों में सूड़ी वाली रोटी चलती है, मिस्सी रोटी होती है, वो बनाई आज। अच्छा वो ही बनाई है क्या? बन रही है। अच्छा बन रही है, ये देख सकते हो, ये देखिए सही है। अरे अभी खाना है सबको, है मासी बैठे, ठीक है ठीक है। अरे अभी भाई तो अभी पुरुष गाड़ी चल रही है थोड़ी, तो मैं मतलब हल्का हल्का दिखा दिएगा ये चल रहा है, और अभी आपको थोड़ा ये दिखा देता हूँ अंदर कैसा माहौल है। मतलब 25-30 लोग हो जाते हैं दिन के, ये पूरा
कुछ बोल नहीं सकता भाई यहाँ ज़्यादा, यहाँ सबका व्रत चल रहा है मतलब बेसिकली। और ये सारा यहाँ खाना पड़ा रहता है अपना बढ़िया, और अब मैं भी खाऊंगा कुछ टाइम में पुरस्कारी करके एक कड़ी। तो गाइस अब देखो, अब मैं बताता हूँ आपको, ये देखो ये जो आवाज आ रही ना, ये देखो खड़खड़ खड़खड़ की आ रही जो पीछे से, अब देखना अब चला गया आ रही है, देखो पूरी भाई पूरी पीछे की ना डिग्गी हिल रही है बहुत बुरी तरीके से। अभी देखता हूँ मैं बिमरा जाता हूँ, एक काम करता हूँ मैं सीधा यहाँ से ना सीधा बिमरा ही निकलता हूँ, वहां उसका जुगाड़ करते हैं भाई कुछ की क्या सीन है, क्योंकि इसका तो जुगाड़ बैठाना पड़ेगा, बहुत दिक्कत हो रही है, इरिटेशन हो रही है यार बहुत, अब तो सही में हो रही है। पापा सही कह रहे, पापा कह रहे भाई मेरा मन ही नहीं कर रहा चलाने का गाड़ी, क्या इतनी आवाज कर रही है। मैं हमेशा समझता यार उनको वैसे ही पसंद नहीं है गाड़ी, लेकिन फिर अब मैं समझ पा रहा हूँ कि ना ये सही में बहुत बुरी आवाज कर रही है, तो इसको देखो बहुत बुरी कर रही है। अभी जाते हैं सीधा बिमरा ही मिलता हूँ आपको मैं। आज तू थार में बैठेगा, इसको ले गया था भाई नीचे वॉशरूम करवाने, लेकिन अब सीधा जाएगा ये नहाने के लिए, क्योंकि भाई इसका हो चुका है टाइम, बहुत दिन हो गए। ठीक है जा बेटा अंदर जम करो, जम करो। ये डाला ये वेरी गुड, इसको आगे कर दूंगा तेरी सीट को। रुक 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 रुक, अरे वहाँ नहीं यार बेटा वहाँ नहीं, हमेशा तू ड्राइविंग कैसे करेगा, एक बात बता तू, तू बात है तेरे में है अक्ल है, खुद को संभाल नहीं पाता तू, तू वहाँ बैठा है कैसे बैठा तू वहाँ। तो बेटा चलो ये जा नहीं रहा यार ये, चलो निकलो, चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो गाड़ी से, निकलो निकलो निकलो। उसको लग रहा है उसको इंजेक्शन कुछ डॉक्टर वॉक्टर, जाओ डॉलर जाओ, अरे यहाँ आ जा मेरे पास, आ जा मेरे पास, आ जा मेरे पास, आ जा। अरे अरे गिराएगा क्या ये, लो इसके दरवाजा बंद कर दे एक बार इसका ना, ये थोड़ा ना आजकल मूवी में नहीं होता जैसे कि हाँ भाई अकेले नहीं जाऊँगा, खुद लेके जा तो लेके जाऊंगा। आ जा भाई गाड़ी बंद कर दी ना, ठीक है हाँ ठीक है चल बेटा बेटा चल 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 अंदर अंदर। ये ले पकड़ ले, चलो डॉलर कम ठीक है, ठीक बात ही देगा कि लास्ट आ चुके हैं यहाँ बिमरा, और यहाँ एक थार अभी लग रखी है और एक वहाँ एक एंडेवर है, और हम और भाई क्या हाल है भाई को तो जानते होगे भाई प्रताप भाई, यार एक चीज करवानी है मेरे को कि जैसे बड़े टायर लगवा दिए मैंने ठीक है, ये मेरे को दिक्कत दे रहा है, जैसे ये पीछे स्टेपनी कुछ वो करते हो क्या, चेंज हो जाती है क्या भाई, मतलब ये जो स्टेपनी नहीं मतलब ये क्या बोलते हैं इसे, ये मतलब जो आवाज आती है वो आवाज बहुत खिर 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 आवाज करती, खिच 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 कर, मतलब अंदर से होती है आवाज, एक बार रोड टेस्ट ले लो गाड़ी की समझ में आ जाएगा। ब्रैकेट लगेगा कुछ ये कैसे बने, यहाँ से ब्रैकेट आएगा हाँ, वो टायर को माउंट करेगा इस वाले का। अच्छा और ये वाला जो अभी लगा हुआ है ये हट जाएगा, ये हट जाएगा तो कोई लुक तो बेकार नहीं होगी ना, बढ़िया हो जाए लुक का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लुक जैसी है वैसी रहेगी सेम। यार वो जो अश्विन सिंह टकियार भाई की वो थार है उस पे भी वही वैसा कर रहे हैं क्या, कर उनके में तो पूरा स्टैंड बना वो सिद्धू मूसेवाला जैसा है ना उनका, तो शायद मेरे जरूरत तो नहीं है ना वैसा कोई, नहीं नहीं अपना वो नॉर्मल वाला लग जाएगा चेचेस से, नॉर्मल वाला ये इससे लगेगा यहाँ पे चेचेस से अंदर से निकलेगी फिटिंग, यहाँ से ब्रैकेट आएगा कैसे कुछ होल वोल होगा क्या, तो फोटो एक बार दिखा दे एक बार। हाँ ये स्टैंड होता है यहाँ से बम्पर से आता है। अच्छा और ये इसके ऊपर ये माउंट हो जाता है आपका, ये पूरा ऐसे लगेगा कि ये नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, ये लगेगा ना, तो आवाज नहीं आएगी फिर, आवाज नहीं आएगी जो खिड़की खिच 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 हो रही है वो डिग्गी में ज्यादा वेट हो रहा है इसलिए आ रही है वो, तो कितने का आता है वैसे, ये सर पड़ेगा आपको कुछ 15,000-15,500 का ये पड़ेगा बस है, और जीओटी वालों के लिए 10% डिस्काउंट तो है ना, ठीक है। और बम्पर कितने का भूल गया प्राइस, बम्पर भी चेंज कराने तो जो पीछे वाला 22,500 बम्पर के साथ लुक और बढ़िया आ जाएगी ना ऐसे, अगर आपको ये ओरिजिनल बम्पर के साथ में भी कराना है तो ओरिजिनल हो जाएगा, अभी हो जाएगा ये, अभी नहीं गाड़ी छोड़नी पड़ेगी इसके लिए 2 दिन, 3 दिन छोड़नी पड़ेगी, 2 दिन छोड़नी पड़ेगी यार, क्योंकि वो जो
जो आपका एलॉय है ना उसके हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो यहीं छोड़नी पड़ेगी गाड़ी फिर। ये फोटो ना एक बार फॉरवर्ड कर दे, मैं एक बार घर में भी बोल दूंगा, फिर मैं कॉल कर दूंगा उसी हिसाब से। ये पड़ा रहता है क्या सीन है इसका? ये यही तो है ना। हाँ स्टेपनी के हिसाब से बनाया बनाया जाए। और अगर बाय चांस मतलब वैसे इन टायरों में तो चांस ही रहता है पंचर होने का, कभी कुछ हो गया तो उसको निकाल सकते हैं? नहीं, आराम से निकाल सकते हैं। तो एक बार यहाँ आ जाए, एक बार मेरे को समझा दे एक बार कि कैसे कैसे होगा ना। जैसे ये यहाँ ये अंदर से ही निकलेगा ना, ये तो आपका जो है जेटिस रहेगा। ठीक है, इसका बस यहाँ पे एक प्लेट लगती है, वो तो प्लेट के साथ में वो अटैच हो जाता है इसके। अच्छा, साथ ये हट जाएगा, ये वाला हट जाएगा। अच्छा, ये हट जाएगा वेट उसका टायर का, वो उसके लिए आगे चेचेस पे आ जाएगा। अच्छा, अभी वेट पूरा इस पे है ना, इसलिए ये देखो बहुत भारी है यार। ये वेट पूरा, ये देखो पूरा है यार ये यार। और एक और चीज, अच्छा ठीक है, तो भाई यहाँ आ रखा था तो मैंने सोचा भाई नंबर प्लेट का भी आज कर ही देते हैं। इतने टाइम भाई अभी इस खोल के है ना, अबे ये क्या बोलते हैं रिपीट से लगा रहे, रिपीट से पूरा भाई लगा देगा, क्योंकि एक महीना हो गया था बिना नंबर प्लेट के घूम रहे थे। मतलब जेन्युइन बताऊँ टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आज मैं का बिमरा आ गया। और भी दो चार चीज़ें के लिए आया था, एक तो आपको मैंने बता दी, और भी दो तीन चीज़ प्लान कर रहे हैं, वो घर में एक बार डिस्कस कर लेंगे थोड़ा ना, उसके बाद कन्फर्म करके आपको बताएंगे। नहीं तो एक तो टायर का है ही है, क्या पता बम्पर, क्या पता ये, क्या पता और तीन चार चीज़ें निकल जाए। लेकिन यहाँ बढ़िया तरीके से भाई फिक्स हो रहा है, मैंने नंबर प्लेट हो जाएगी। भाई एक छोटी सी हेल्प कर देना, ये ना थोड़ी इसको पानी में करवा के ना पूरी नीट करवा दे एक बार, इसको पानी में ना गंदी हो रखी है ना, पूरी साफ़ हो जाएगी, बढ़िया लगेगी। अच्छा ये वाले, ये बढ़िया लगेंगे यार, बढ़िया लगेंगे यार। ऐसे कितने के हैं? 16,500 भाई, क्या करके मानोगे तुम लोग? अच्छा ये है पूरा भाई, कमेंट करके बताओ ये लगवाने चाहिए मेरे को फेंडर या नहीं। ये आगे का है ना, ये आगे और ये पीछे का। एक सर जब पानी पी लेता हूँ पहले। वैसे ये लगाए हुए रोड पे दादा कितने के? 155 के भाई, मतलब लगा लो जितने के यार में टायर अलॉय लगा के कह रहे हैं उतने का ये, मतलब टायर रिम के साथ ये इतना अलॉय है। लेकिन ठीक है कोई नहीं, आने वाले टाइम पे देख लेंगे। और कुछ नई चीज़ आई यहाँ पे? अच्छा ये प्रो मैन का, ये क्या है? अच्छा ग्रैब हैंडल, ग्रैब हैंडल कितने का? 7,000 का। तो ठीक है वो तो एक साथ ही करवा देंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को। ये भी करवा देंगे और आप उसका ये देख सकते हैं, ये बात करके देखता हूँ ये। और वो क्या बोलते हैं टायर वाले को, क्या बोलते हैं उसको जो पीछे का जो लगवा रहे हैं टायर के साथ? वो टायर कैरियर बोलते हैं, टायर कैरियर, न्यू टायर कैरियर लगेगा। और प्रो मैन का ये भी देखते हैं। और तो कुछ नहीं है ना, और वैसे ही दिखा चुका हूँ भाई आपको तो पहले, और ये सारी लाइट वाइट। चलो ठीक है, तो भाई टाइम हो चुका है 4:30 और अब निकल रहे हैं यहाँ से। बात हो गई है कि क्या क्या करवाना है, व्हील आर्च की भी बात कर ली है। अब देखो बोलो उसने व्हील आर्च भी लगा लो, क्योंकि आपके जो टायर है वो अगर वैसे तो अड़ नहीं रहे, लेकिन अगर बाउंस करती गाड़ी हमको तो निकल रहा है, तो व्हील आर्च अगर आप वो लगवा दोगे जो इनका है, तो भाई 95 का मतलब ऑलमोस्ट 99% से बोला कि भाई कोई चांसेस नहीं है। मतलब जिस हिसाब से ये नॉर्मल प्लास्टिक वाले होते हैं तो वो चेंज करवाना है, और जो टायर कैरियर है पीछे वो लगवाना पड़ेगा, और ये ग्रैब हैंडल भी देखे वो भी करते हैं अभी। और 2 दिन गाड़ी भाई छोड़नी पड़ेगी भाई यहाँ पे, 2 दिन छोड़नी पड़ेगी गाड़ी, कैसे करते हैं देखो यार। और वो शॉकर वॉकर तो देखूंगा यार, बात करता हूँ कि करवाने की चीज़ है या नहीं, स्टडी करूँगा उस चीज़ को थोड़ी। स्टीयरिंग तो हो गया यार थोड़ा हार्ड खड़ी खड़ी गाड़ी में, तो भाई चलो निकलते हैं। एंड भाई आज सोच रहा हूँ आज मैं जिम चले ही जाऊँ, कि बहुत दिन हो गए, स्टार्ट कर ही लेता हूँ भाई फाइनली, आई हैव टू, क्योंकि ये सब तो ठीक है चल रहा है, लेकिन भाई मेरे को जेन्युइनली अब स्टार्ट करने का है कि भाई डाइट और ये सब कुछ, ये तो बहुत वो अनफिट वाली बात हो जाती है ना यार, सिस्टम कैसे बनाऊँगा फिर। तो भाई टाइम हो चुका है 4:30 और अब निकल रहे हैं यहाँ से। बात हो गई है कि क्या क्या करवाना है, व्हील आर्च की भी बात कर ली है। अब देखो बोलो उसने व्हील आर्च भी लगा लो, क्योंकि आपके जो टायर है वो अगर वैसे तो अड़ नहीं रहे, लेकिन अगर बाउंस करती गाड़ी हमको तो वो निकल रहा है, तो व्हील आर्च अगर आप वो लगवा दोगे जो इनका है, तो भाई 95 का मतलब ऑलमोस्ट 99% से बोला कि भाई कोई चांसेस नहीं है। मतलब जिस हिसाब से ये नॉर्मल प्लास्टिक वाले होते हैं तो वो चेंज करवाना है, और जो टायर कैरियर है पीछे वो लगवाना पड़ेगा, और ये ग्रैब हैंडल भी देखे
अभी करते हैं अभी, और दो दिन गाड़ी भाई छोड़नी पड़ेगी भाई यहाँ पे, दो दिन छोड़नी पड़ेगी गाड़ी, कैसे करते हैं देखो यार। और वो शॉकर वॉकर तो देखूंगा यार, बात करता हूँ कि करवाने की चीज़ है या नहीं, स्टडी करूंगा उस चीज़ को थोड़ी। स्टीयरिंग तो हो गया यार थोड़ा हार्ड, खड़ी खड़ी गाड़ी में, तो भाई चलो निकलते हैं। एंड भाई आज सोच रहा हूँ आज मैं जिम चले ही जाऊँ, कि बहुत दिन हो गए, स्टार्ट कर ही लेता हूँ भाई फाइनली, आई हैव टू, क्योंकि ये सब तो ठीक है चल रहा है, लेकिन भाई मेरे को जेन्युइनली अब स्टार्ट करने का है, कि भाई डाइट और ये सब कुछ ये तो बहुत वो अनफिट वाली बात हो जाती है ना यार, सिस्टम कैसे बनाऊंगा फिर। तो इसको हर दिन लाना पड़ेगा ऑइंटमेंट लगवाने, फिर अब आप घर पे कुछ नहीं कर सकते तो मजबूरी है, तो पीछे ही है घर तो वैसे ठीक है, कोई इतना क्या कर सकते हैं। कितने दिन चलेगी? 4-5 दिन ले आई पहले ना बस। इससे जलन होती है कैसे? बिल्कुल नहीं जलन होती, तो तब तक करता हूँ। आ गया गाइस, ये पूरा नहा के देख सकते हो कितना गंदा था, कितना साफ हो गया है। ये आपने देखा होगा इसको, फिर एक इन्फेक्शन हो गया, एक्जीमिया बोलते हैं, कोई स्किन इन्फेक्शन है, कह रहे 2-3 दिन ऑइंटमेंट लेंगे यहाँ पे। कैसे जीभ कैसे निकाल रहा है यार, मैं आपको मजाक से नहीं कह रहा हूँ, मैं प्यार बहुत करता हूँ उससे, लेकिन बात यह है कि हर महीने का इसका ना ना करके मिनिमम करके कह रहा हूँ 15-20 हज़ार से खर्चा है बस, और ये खाने को हटा के कह रहा हूँ मैं, डॉक्टर कह रहा हूँ नहाने का और जो उसकी दवाइयाँ चलती है। कैसे? और खाने के साथ लगा लो तो 30-1 हज़ार का खर्चा है इसका, और ये नहीं होता तो मेरे पे होते वो 30 हज़ार आज जो इसको दे रहा। हाँ, या आइसक्रीम भी दे दे, हाँ या आइसक्रीम भी दे दे, धन्यवाद यार धन्यवाद भाई। ये इसके लिए आइसक्रीम ली है, इसको ना क्या करेंगे 100 ml पानी में डालेंगे और उसके फ्रीजर में रख देंगे, उसके बाद इसको दे देंगे खाने के लिए। डॉलर आइसक्रीम कैसे कैसे भाई देख सकते हो 9:30 हो रहे हैं और फाइनली हमारा सक्सेसफुल हो गया है। 9 GB भाई, 9 GB की है, आधे घंटे की पूरी वो फिल्म बना दी यार ने, मतलब लेकिन कुछ जितना कट कर सकता है फालतू कर लिया, लेकिन मैं कुछ और कर सकता था, प्रॉपर डिटेल में आपको ये वीडियो दी है, आपको अभी देख ली होगी आपने शायद, हाँ देख ही ली होगी अभी तक भाई। अभी वापस कल वाली हालत हो रही है, कल से लेके अभी तक ना नींद पूरी ढंग से हुई नहीं है, वो मंदिर भी जाना होता और डॉलर को इस गधे को भाई साहब, आज भी जिम नहीं हो पाया। एनीवेज गाइस, करता हूँ व्लॉग को यहीं एंड, नंबर का भी अपडेट मिला है आज मेरे को, वो आपको अगले व्लॉग में दूंगा नंबर का अपडेट की क्या है क्या जो भी दूंगा। और भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, किसी व्लॉग भाई बहुत मेहनत लग रही है, लिटरली बहुत मेहनत लग रही है, 2 अक्टूबर तक करवा दो 10,000 सब्सक्राइबर यार, मजाक से हट के 2 अक्टूबर मेरा बर्थडे है, 10,000 करा दो भाई, बाकी इंस्टा पे तो प्यार दिखाई रहे हो, यूट्यूब पे भी दिखाओ।